हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो अगले कुछ वीक्स के लिए या फिर कुछ महीने के लिए इन सभी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम होने वाला है। इन डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कौन से स्टॉक्स में कौन से लेवल पर ब्रेकआउट आया है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी जो है आपको यहाँ पे सभी कुछ पता होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप पोजीशन बना सकते हैं। या फिर ऑलरेडी अगर आपने उन सभी स्टॉक्स में पोजीशन लिया हुआ है तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा जो स्टॉक को आपको कहाँ तक होल्ड करना है। तो चलिए हम लोग जो है इसी के साथ एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आप बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आपको SBI। अगर देखेंगे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आज क्लोज हुआ है, 551.95 पे स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग इस स्टॉक में देखेंगे तो ऊपर की साइड 550 का रेंज, नीचे की साइड 436 का रेंज। स्टॉक कंटिन्यूसली आपको इसी रेंज में लास्ट ईयर सितंबर 2021 से अभी तक ट्रेड कर रहा था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर सितंबर में स्टॉक इस रेंज में एंटर किया था, उससे पहले स्टॉक इसी लेवल पे काफी टाइम रेसिस्टेंस लिया और उसके बाद आपको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली इसी रेंज में आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अभी रिसेंटली देखेंगे 436 के लेवल पे एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अपने अपर चैनल को हिट किया, वापस से यहाँ पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस मिला, स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट किया, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला और फाइनली यहाँ पे स्टॉक सेप्टेम्बर के सेकेंड वीक में स्टॉक जो है 550 के लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अपने एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया। तो क्लियरली अगर कभी भी कोई भी चैनल पैटर्न ब्रेक होता है तो फिर वहां पे जो टारगेट होता है वो चैनल का लेंथ होता है। तो अगर हम लोग इस चैनल का लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का लेंथ है। तो ऊपर की साइड अगर हम लोग इतना ही लेंथ प्रोजेक्ट करते हैं तो समवेयर आपको 660 तक का जो है एक टारगेट यहाँ पे विद इन 1 to 2 मंथ के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है तो आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, आपको इमीडिएट टारगेट यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे विद इन 1 to 2 मंथ या फिर दीपावली तक आपको ये स्टॉक 660 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। PSU है स्टॉक है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट बैंक में वन ऑफ द लीडिंग बैंक है और काफी अच्छा जो है इस स्टॉक का बैलेंस शीट भी SBI के अगर बात करें, कस्टमर सर्विस हो या फिर आपको स्टॉक का फंडामेंटली बैलेंस शीट हो, काफी ही बैलेंस है। तो इसी वजह से जो है फंडामेंटली भी स्टॉक स्ट्रांग है और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें टेक्निकली भी स्टॉक जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को हम लोग कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है तो फिर यहाँ पे आप 506 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा टारगेट लेना है तो फिर आप यहाँ पे 436 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की साइड जो है आपको मिनिमम 150 टू 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रखना है। तो आप इस स्टॉक को अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है आप होल्ड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश पोजिशन भी बना सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड स्टॉक है आपको इंडियन बैंक। वंस अगेन ये भी आपको एक PSU बैंक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉक में 200 के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक को देखेंगे 200 के लेवल के ऊपर स्टॉक काफी टाइम के बाद आपको ट्रेड करना स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉक लास्ट टाइम 2019 के जुलाई अगस्त मंथ में इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में था, इवन 50 के नीचे भी स्टॉक यहाँ पे गया, उसके बाद से स्लो एंड स्टडी इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्टॉक करेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली इस स्टॉक में एक
कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली तो कुछ इस टाइप से हम लोगों को यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन दिख रहा है। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए, कभी भी अगर कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो फिर जो टारगेट होता है वो आपको कप लेंथ होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कप लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का जो है कप लेंथ है। तो मिनिमम यहाँ से हम लोग 350 टू 400 का टारगेट जो है ऊपर की साइड यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर 150 पॉइंट यहाँ से अपसाइड भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो 350 का हम लोगों का टारगेट आता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे जो है कंटिन्यूअसली होल्ड करके रख सकते हैं। अगर बहुत से लोगों ने नीचे के लेवल से ऑलरेडी पोजीशन लिया हुआ है इस स्टॉक में, तो जितने भी लोगों ने नीचे के लेवल से पोजीशन लिया हुआ है आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना है तो उस केस में आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। नीचे की साइड आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको 132 का होना चाहिए, क्योंकि इसी रेंज में स्टॉक काफी टाइम से आपको ट्रेड कर रहा था 132-195 के रेंज में, और उसी लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो इस स्टॉक में भी एक जबरदस्त तेजी हम लोगों को नेक्स्ट 2-3 मंथ में देखने को मिल सकती है। थर्ड स्टॉक की अगर बात करें तो थर्ड स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। यहाँ पे भी अगर देखेंगे स्टॉक में ऊपर के लेवल से एक अच्छा ब्रेकडाउन आया था। ब्रेकडाउन आने के बाद स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली आपको नीचे की साइड जा रहा था, बट वंस अगेन आपको यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। क्लियरली अगर वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी किया है। क्योंकि अगर इस लेवल पे देखेंगे 800 के लेवल पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, वापस से रीटेस्ट किया है, और उसके बाद अपने प्रीवियस हाई के ऊपर स्टॉक ने क्लोज दे दिया है। तो स्टॉक जो है काफी अच्छे यहाँ पे अप ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पे जो है एक रिवर्सल पैटर्न हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि कभी 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 भी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो वो आपको एक रिवर्सल ही माना जाता है स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक अर्लियर डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, अगेन आपको ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड अगर स्टॉक देखेंगे तो पहला टारगेट जो होगा वो आपको 1100-1150 का होगा, और एक बार अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 1500 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इस स्टॉक में हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे की साइड 700 के नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज कर देता है आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वापस से जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगेगा, साथ ही साथ अपना प्रीवियस लो भी स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ब्रेक कर देगा। तो इसी वजह से जो है इस स्टॉक को आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं अगर यहाँ पे 700-680 के लेवल के नीचे स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ स्टॉक है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी काफी टाइम से आपको डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे याद होगा हम लोगों ने आपको लास्ट ईयर में एक अगस्त के मंथ में जो हम लोगों ने यहाँ पे एक एनालिसिस वीडियो किया था, उस टाइम में मैंने आपको बताया था 500 के लेवल तक जा सकता है ये स्टॉक, और उस टाइम में आपको समवेयर अराउंड ये 700 के नीचे ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद से अगर देखेंगे स्टॉक आपको 500 के नीचे काफी टाइम सस्टेन किया, फाइनली 500 के ऊपर जो है स्टॉक वापस से आया है। अगर इस लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी नैरो रेंज में ट्रेड करने के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे आपको एक रिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है। साथ ही साथ अगर जो लॉन्ग काफी लंबे समय से ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी स्टॉक ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर इस स्टॉक में आप पोजीशन बनाते हैं तो नीचे की साइड 450 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पे पोजीशन बना सकते हैं, ऊपर की साइड आपको यहां पे 900-1000 का लेवल जो है टारगेट मिल सकता है आने वाले समय में। और इस सेक्टर में जो है सभी के सभी स्टॉक्स में एक अच्छा नीचे के लेवल से अब हम लोगों को बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और लास्ट स्टॉक है कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन। अगेन ये भी स्टॉक जो है वो आपको PSU है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे आज क्लोज दिया है। अगर मंथली चार्ट को हम लोग देखेंगे स्टॉक यहाँ पे काफी लंबे समय से जो है ये स्टॉक भी आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर ऊपर की साइड देखेंगे 733, नीचे की साइड देखेंगे 560। यहाँ पे अगर करेंटली देखेंगे 750 के ऊपर जो है स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। इससे पहले आपको कभी भी 750 के ऊपर जो है स्टॉक यहाँ पे आपको क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, यहाँ पे जो है कंटिन्यूअसली स्टॉक को रेसिस्टेंस मिल रहा था। एक बार आपको वीकली बेसिस पे यहाँ पे क्लोजिंग जरूर दिया था, बट उसके बाद अगेन
आपको इसी चैनल पैटर्न में स्टॉक वापस से आपको रिट्रेस बैक हो गया। इस बार अगर यहां पे देखेंगे तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल पे कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद आपको ब्रेकआउट दिया है। तो यहां पे इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हम लोगों को आने वाले समय में मिल सकता है, तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर भी जो है हम लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक है तो आप कंटिन्यू यहाँ पे भी होल्ड करके रख सकते हैं, या फिर आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड हम लोगों का टारगेट 1000 to 1100 है, जो कि आपको विद इन 2 to 3 months में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे, सभी स्टॉक्स को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।